नमस्कार किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नई दिल्ली से लेकर पूरे ऑल इंडिया के मंडी रेट्स और क्या रुझान रहा है नए आलू में और क्या रुझान रहने वाला है पुराने आलू में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है किसान साथियों, बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे YouTube पर कोई वीडियो अपलोड की जाएगी, YouTube सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा, जिससे आप कभी भी हमारी एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज नज़र डाल लेते हैं नई दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, 150 वाहनों की आज यहाँ आवक हुई है। यहाँ पर नया आलू जो है 380 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति पैकेट, संभल का आलू जो है 300 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति पैकेट, नबीबगंज फरुखाबाद का आलू यहाँ 150 रुपये से लेकर 240 रुपये प्रति पैकेट, जलंधर का आलू नया जो है 308 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति पैकेट। पुराने की बात करें तो चिप्सोना यहाँ 6 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है, चिप्सोना संभल का यहाँ 9 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक बिक रहा है, एलआर गुजरात का यहाँ 4 रुपये किलो से लेकर 9 रुपये किलो तक बिक रहा है, और 3797 की बात करें तो वो पुराना 3797 350 रुपये तक ही बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके इटावा मंडी की। तो इटावा में आज जो है 65 गाड़ियों की आवक हुई है। नया आलू यहाँ पर 300 रुपये किलो, 300 रुपये पैकेट से लेकर 400 रुपये पैकेट तक बिक रहा है। कन्नौज में गाड़ियों की आवक यहाँ 75 है, यहाँ नया आलू जो है 250 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति पैकेट तक बिक रहा है। पुराना ख्याति पुखराज की बात करें तो वो 400 रुपये प्रति पैकेट तक बिक रहा है। कानपुर की बात कर लेते हैं तो यहाँ मंडी में गाड़ियों की आवक है 85, नया लाल आलू में जो नया लाल है जो वो 500 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट, सफ़ेद आलू 600 रुपये से लेकर 925 रुपये प्रति पैकेट। नया की बात कर रहे हैं, पुराने में 3797 पे यहाँ पर 50 रुपये का बढ़ोतरी देखी गई है, यहाँ 500 से 550 रुपये तक प्रति पैकेट पुराना 3797 कानपुर की मंडी में पैकेट का बिक रहा है। यानी कानपुर की मंडी की बात बताऊँ, यहाँ मन की तौल होती है यानी 45 किलो की, तो आप खुद ही दे जब वो कर सकते हैं। अगर नागपुर की बात करें तो नया आलू जो है आपका पंजाब का यहाँ 350 से 400, संभल का 500 रुपये से 300 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति पैकेट। इंदौर की बात करें तो नागपुर में आज गाड़ियाँ जो हैं नई आलू की 120 गाड़ियाँ हैं, इंदौर में 500 रुपये से लेकर 550 गाड़ियों की आवक है इंदौर में आज नई आलू की 30। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में 110 गाड़ियों की आवक नई आलू की हुई है आज, और नया आलू यहाँ पर 400 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। पुराने आलू की जयपुर आजादपुर मंडी नई दिल्ली इटावा कन्नौज और इसमें कोई भी डिमांड नहीं है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में पुराने आलू की बिल्कुल डिमांड नहीं है, पूरा जो जितना भी है वो नया ही आलू आ रहा है। समस्तीपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो यहाँ 90 गाड़ियों की आज आवक हुई है। पंजाब का नया आलू जो है जलंधर का वो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट, नया लॉकर जो लोकर आलू होता है वहीं का वो बिक रहा है 500 से 550, संभल का आलू जो है 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति पैकेट, संभल का नया आलू समस्तीपुर मंडी बिहार में बिक रहा है। इलाहाबाद की बात कर लेते हैं तो 12 गाड़ियाँ आई हैं यहाँ, और नए आलू की जो बिक्री है वो 450 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट तक चल रही है। अब बात कर लेते हैं आपके कर्नाटका की, तो कर्नाटका के यशवंतपुर मंडी में पुराना आलू 3797 1150 रुपये प्रति पैकेट, शिमोगा 1000 रुपये प्रति 1050 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है शिमोगा की मंडी में, चिकमंगलुरु में 1078 रुपये प्रति पैकेट, और दौड़ दबल्लापुर में 900 रुपये प्रति पैकेट आलू बिक रहा है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं नए आलू की, तो राजस्थान में नया आलू सीकर में 350 रुपये प्रति पैकेट, उदयपुर में 300 रुपये प्रति पैकेट, जोधपुर में 375 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है। अगर पुराना जोधपुर की बात करें तो यहाँ पुराना आलू 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक बिक रहा है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो गुजरात में आलू बिक रहा है वो दाहोद में 700 रुपये प्रति पैकेट, राजकोट में 700 रुपये प्रति पैकेट, मेहसाणा में 612 रुपये प्रति पैकेट, कपड़वंज में 575 रुपये प्रति पैकेट, अहमदाबाद में 450 रुपये प्रति पैकेट, बिलीमुरा में 948 रुपये प्रति पैकेट, और आनंद में 700 रुपये प्रति पैकेट आलू बिक रहा है, आज ही बिका है। और आप बात कर लेते हैं आपके मैट्यापालम मंडी की, तो आप ज़्यादातर मैट्यापालम मंडी के ही वो रेट जानना चाहते हैं, तो यहाँ शुरुआत में सुन लीजिए गाड़ियों की आवक है, यहाँ 110 गाड़ियों की आवक है, और यहाँ ऊटी का आलू 1150 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति पैकेट है, कॉलर का आलू 1100 रुपये से लेकर 1325 रुपये प्रति पैकेट, हसन का आलू 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, गुजरात का आलू 780 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट, चिप्सोना का आलू 750 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट, 3797 675 से 875 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है।
बैंदी पहले मंडी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 31 गाड़ियों की आवक हुई है, और जिसमें से जो बैलेंस है वो आपका 15 गाड़ी बैलेंस है, कुल टोटल 31 गाड़ी है। तो यहाँ आगरा का आलू 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट, लोकल का आलू 700 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट, गुजरात का आलू 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट। अब बात कर लेते हैं आपके मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी में आज जो गाड़ियों की आवक हुई है वो महज 10 गाड़ियों की आवक हुई है। तो मदुरई में आपका ऊटी का आलू 1200 रुपये से लेकर 1550 रुपये प्रति पैकेट, कॉलर का आलू 1100 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति पैकेट, पूना का आलू 800 रुपये किलो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, हसन का आलू 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, और अगर 3797 की बात करें तो 3797 यहाँ 650 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट के दाम मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर बैलेंस की बात करें तो 5 गाड़ी कल की हैं और 5 गाड़ी आज की, तो 10 गाड़ियाँ हैं। ऐसे ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में जो गाड़ियों की आवक 150 है, 50 कल की हैं जो बैलेंस बचा हुआ था, और 100 गाड़ी आज के यहाँ थे, कुल मिला के 150 गाड़ी आप दिल्ली की आजादपुर मंडी में है। अब बात कर लेते हैं आपके गुजरात की, पश्चिम बंगाल की, गुजरात तो बता दिया, पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश का जो आलू बिक रहा है वो बिक रहा है उलवेरिया में 870 रुपये प्रति पैकेट, हावड़ा में 770 रुपये प्रति पैकेट, बोलपुर में 850 रुपये प्रति पैकेट, डायमंड हार्बर में 835 रुपये प्रति पैकेट, वीरभूमि में 800 रुपये प्रति पैकेट, झारग्राम में 800 रुपये प्रति पैकेट, कटवा में 850 रुपये प्रति पैकेट, बारासात में 780 रुपये प्रति पैकेट, हावड़ा में 810 रुपये प्रति पैकेट, शेवराफुली में 750 रुपये प्रति पैकेट, मेदिनीपुर ईस्ट में 700, मेदिनीपुर वेस्ट में 750, व कल्याणी में 825 रुपये प्रति पैकेट, चंपडांगा बेलडांगा में 850 रुपये प्रति पैकेट, और सिलीगुड़ी में 700 रुपये प्रति पैकेट आलू बिका है। अगर बात कर लेते हैं आपके असम में, तो असम में 23 रुपये किलो यानी 1 रुपये किलो का उछाल आया 3797 का, मिजोरम में भी 31 से 32 यानी कि कल जो रेट थे उनमें 1 से 2 रुपये की बढ़ोतरी आज हुई है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था मंडियों का कोई रेट नहीं होता, में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, तो ऐसे में कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। बहरहाल किसान साथी, मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर बताना, अच्छा कमेंट जरूर करना। अगर कहीं से भी मंडी का आप भाव जानना चाहते हैं वो भी बताना, हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को ताज़ा तरीन अपडेट देते रहें। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, आज मैं फिर दोबारा ड्रोन का जो एग्री ड्रोन है उसका फिर दोबारा रिव्यू करूँगा शाम के समय पर, और किसान से ही बात करेंगे कितने में लाए गए हैं और कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है। किसान से सीधी बात करेंगे, दिखाएंगे आपको एग्री ड्रोन के बारे में, क्योंकि मैं लगातार 2 दिन से दिखा रहा हूँ एग्री ड्रोन, आप उसे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, अगर आप उसे खरीदते हैं तो आप जो है 30,000 रुपये का बेनिफिट एक दिन में ले सकते हैं, यानी कि 400 से 500 रुपये बीघा के हिसाब से वो चलता है, तो आप उसमें बेनिफिट भी ले सकते हैं, यानी कि आपको कमाई के दूसरे जरिए भी यानी स्रोत जो है वो खुल जाते हैं। तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करवाना, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करना, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही है, कल आप 2G इस्तेमाल करते थे, फिर 3G, आज 4G, आज सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो आगे जैसे आप बढ़ रहे हैं आगे, ऐसे ही अपनी खेती को भी आगे बढ़ाइए ताकि आप अच्छा मुनाफा ले सकें। और ये जो तकनीक है वो एग्री ड्रोन है। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना, कमेंट में राय जरूर देना, जो भी मंडी छूट गई उसको अभी हम बताएंगे। धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं एक आज एग्री ड्रोन के 3रे दिन, रिव्यू करेंगे एग्री ड्रोन के, किसान के पूछेंगे। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।